हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग स्टैंडर्ड एसवाई बीकॉम सब्जेक्ट ऑडिटिंग टॉपिक प्रोसीजर टू डिटेक्ट एरर्स. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द ऑडिटर विल डिटेक्ट द एरर्स व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग. ओके, सो सी द प्रोसीजर टू डिटेक्ट द एरर्स. फर्स्ट वन इज चेक द ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर. जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है अकाउंट्स का, तो उसे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में से, ठीक है, ही हैज़ टू सी द ओपनिंग बैलेंस. करेक्ट, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस चेक करो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस चेक करो. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा. करेक्ट, तो व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर इज नीड टू चेक द ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर. करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो वो उसे चेक करना है. देन नेक्स्ट वन इज चेक द पोस्टिंग इनटू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स. जो भी पोस्टिंग की है जर्नल से लेजर में, तो वो लेजर अकाउंट्स में प्रॉपर पोस्टिंग की है या नहीं की है, अमाउंट्स प्रॉपरली डाले हैं या नहीं डाले हैं, दैट द ऑडिटर इज सपोज टू चेक इट आउट. ओके, देन थर्ड वन इज चेक द टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसे ये सारे बुक्स को हम सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं. करेक्ट, तो ये सब्सिडियरी बुक्स का टोटल चेक करो, ये टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है या नहीं ये देखो. तो ऑडिटर विल डू व्हाट, ही विल चेक द सब्सिडियरी बुक्स. करेक्ट, सब्सिडियरी बुक्स में जो टोटल है वही टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो कहीं पर एरर है, कहीं पर मिस्टेक है. राइट, नेक्स्ट वन इज़ वेरीफाई ऑल द कास्टिंग्स एंड कैरी फॉरवर्ड. कास्टिंग्स मीन्स स्टूडेंट्स, कास्टिंग्स मतलब जो हम जर्नल में टोटलिंग करते हैं ना, है ना, एक पेज ख़त्म हो गया दूसरे पेज पे करो, दूसरे पेज पे वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो, फिर दूसरे पेज का टोटल करो, फिर उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो थर्ड पेज पे, ठीक है, इसे हम कहते हैं कास्टिंग. एंड कैरी फॉरवर्ड्स, कैरी फॉरवर्ड्स मीन्स वेन एवर वी आर क्लोजिंग द लेजर अकाउंट्स. करेक्ट, तो लेजर अकाउंट्स में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में. राइट, तो दिस कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड्स टोटल शुड बी चेक्ड बाय द ऑडिटर. अगर इसमें कोई एरर्स है तो ये वेरीफाई करने पे मिल सकती है, एरर्स है तो उसको ऑडिटर रेक्टिफाई करेगा. देन नेक्स्ट वन इज एंश्योर दैट द लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टैली विद द लेजर अकाउंट्स. है ना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की एक लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट और उनके लेजर अकाउंट्स दोनों के भी बैलेंसेस टैली होने चाहिए. करेक्ट, दूसरी एक चीज़, जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है इनसे ऑडिटर कंफर्मेशन भी मांग सकता है कि जो भी बैलेंस उसके क्लाइंट के बुक्स में बता रहा है वही बैलेंस पर्टिकुलर डेटर्स और क्रेडिटर्स के बुक्स में भी बता रहा है. सो द ऑडिटर कैन आस्क फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो, एज वेल एज ही कैन चेक विद द लेजर अकाउंट्स ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज मेक इट श्योर दैट ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम द लेजर आर टेकन इन टू अकाउंट. ठीक है, ऑडिटर को ये भी देखना है कि सारे के सारे लेजर अकाउंट्स आर टेकन इन टू अकाउंट, सारे के सारे लेजर्स अकाउंट का प्रॉपरली बैलेंसिंग करके उसको प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड किया है, प्रॉपरली सारे के सारे लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रायल बैलेंस में लिखा गया है. दैट द ऑडिटर नीड टू चेक इट आउट. देन नेक्स्ट वन इज वेरीफाई टोटल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का टोटल भी टैली होना चाहिए. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में अगर गलत फिगर डाल दिया, फॉर एग्जांपल 840 का फिगर 480 डाल दिया, ठीक है, और दूसरे साइड भी कुछ ऐसा कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. ठीक है, तो वेरीफाई करना चाहिए उसके टोटल्स को. देन कंपेयर द वेरियस आइटम्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर. है ना, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करने पड़ते हैं. मान लो कि परचेसेस है, सेल्स है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस से क्या करना है, इसको कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर इतना परचेस हुआ था, इतने का हमने रॉ मटेरियल परचेस किया था और इतने का सेल्स हुआ था. इस साल इतने का परचेस हुआ, इतने का सेल्स हुआ. अगर ये परचेस और सेल्स में ज़्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है. तो ऑडिटर विल चेक आउट दैट कि ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है जहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो क्यों है, वो उसका रीज़न फाइंड आउट करेगा.
ठीक है, हो सकता है कि लास्ट ईयर 2 लाख का सेल हुआ है लेकिन इस साल 5 लाख का सेल हुआ है, मतलब डबल सेल हुआ है। सो ऑडिटर विल फाइंड इट आउट कि ऐसा कंपनी ने क्या किया जिससे 5 लाख का सेल हुआ। कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया या कंपनी ने कुछ एडवर्टाइजिंग किया, ठीक है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, या कॉम्पिटिशन, कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, तो वॉट एवर मे बी द रीज़न, द ऑडिटर विल फाइंड आउट द रीज़न कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो इस ईयर से इतना ज़्यादा या इतना कम क्यों है, ठीक है, दैट द ऑडिटर नीड टू फाइंड इट आउट। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड सी वेदर एन आइटम ऑफ हाफ ऑफ एन सच अमाउंट इज़ एंटर्ड रॉन्गली, ठीक है। कुछ अमाउंट आपको, मतलब कुछ अमाउंट ऑडिटर को ऐसे चेक करने होंगे जो शायद गलती से गलत डाल दिए हो, है ना, 10,000 की जगह पे 1,000 डाल दिया हो, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा, है ना, ट्रायल बैलेंस तो टैली। सी 10,000 की जगह पे 1,000 डाल दिया है लेजर पोस्टिंग करते वक्त या जर्नल एंट्री करते वक्त, तो अगर जर्नल में ही मिस्टेक किया है, 10,000 का एंट्री 1,000 लिखा है, तो वही फिगर लेजर में पोस्ट हुआ है, वही फिगर ट्रायल, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा, ठीक है। तो ऑडिटर को जो भी, ऑडिटर विल चेक इट आउट कि जो भी अमाउंट डाला है वो अमाउंट सही है या नहीं है। अभी ऑडिटर कैसे चेक करेगा अमाउंट सही है या नहीं है, तो ऑडिटर वाउचिंग करेगा, वेरीफिकेशन करेगा। वाउचिंग करना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस रिलेटेड पर्टिकुलर आइटम के रिलेटेड, वो पर्टिकुलर आइटम वो पर्टिकुलर एविडेंस के साथ चेक करेगा, ठीक है। मान लो कि 10,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, 10,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ठीक है, तो 10,000 रुपये का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो वो बिल का कॉपी होगा, उसका रिसीट होगा जो पे किया है वो, करेक्ट। गलती से 10,000 को अगर 1,000 लिख दिया है तो ये ऑडिटर इजीली फाइंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस, विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग, ठीक है। देन चेक डिफरेंस इन्वॉल्विंग राउंड फिगर्स एज ₹1,000 एंड ₹100। देखो जो ऐसे फिगर्स हैं, जब भी ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तभी कुछ ऐसे फिगर्स उसको मिलेंगे, 1,000, 1,000, 2,000, 200, है ना, तो ऐसे फिगर्स को उसको खास क्या करना है, ध्यान देना है राउंड ऑफ फिगर्स को, राउंड ऑफ फिगर्स पे उसको खास ध्यान देना है, बिकॉज उसमें एक जीरो का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो इससे मिस्टेक्स हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अल्टीमेटली केयरफुली स्क्रूटिनी इज़ द ओनली रेमेडी फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। दूसरा, अगर ऑडिटर को एरर्स स्क्रूटिनाइज करना है, फाइंड करना है, तो उसे केयरफुली स्क्रूटिनी करना होगा। स्क्रूटिनी करना मतलब उसको केयरफुली प्रॉपर अकाउंट्स को क्या करना होगा, चेक करना होगा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग्स को क्या करना होगा, चेक करना होगा। दैट इज़ नोन एज अल्टीमेटली केयरफुल स्क्रूटिनी इज़ द ओनली रेमेडी फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। सी दैट नो एंट्री ऑफ द ओरिजिनल बुक्स हैव रिमेन अनपोस्टेड, ठीक है, ओरिजिनल बुक में तो एंट्री की है, मतलब जर्नल में एंट्री की है, लेकिन इसकी पोस्टिंग लेजर में की ही नहीं, ठीक है, लेजर में नहीं की तो ट्रायल बैलेंस में भी उसकी एंट्री नहीं जाएगी। तो ये प्रॉपरली देखना है कि जो भी एंट्री प्राइमरी बुक्स में की है, ठीक है, वो एंट्री प्रॉपरली पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, दैट द ऑडिटर इज सपोज टू चेक इट आउट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वेयर द आई कैन से दिस वेयर द वन मिनट प्रोसीजर दिस वेयर द प्रोसीजर टू डिटेक्ट द एरर्स, मीन्स व्हाट द ऑडिटर इज सपोज टू डू टू फाइंड द एरर्स एंड टू प्रिवेंट द एरर्स। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे कि उसे ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, प्रॉपर पोस्टिंग की है या नहीं वो देखना है, सब्सिडरी बुक्स का टोटल चेक करना है, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड्स मतलब टोटलिंग, और जो टोटलिंग किया हुआ जो अमाउंट है वो प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं, कहीं गलत अमाउंट तो नहीं डाला है। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लिस्ट चेक करना है उनके अकाउंट के साथ, ठीक है, फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के पास से कन्फर्मेशन भी मांग सकते हैं पेंडिंग अमाउंट का। देन लेजर चेक करना है प्रॉपर, देन उसके बाद हमने देखा कि टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस चेक करना है, ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ या प्रीवियस ईयर के आइटम्स के साथ कंपेयर करना है। देन डिफरेंसेस अगर है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड सी वेदर एन आइटम ऑफ हाफ ऑफ सच अमाउंट इज एंटर्ड रॉन्गली, ठीक है, तो डिफरेंस अगर डिफरेंसेस कुछ है तो वो फाइंड करना है। देन चेक डिफरेंस इन्वॉल्विंग द राउंड फिगर्स, राउंड फिगर्स वाले आइटम्स को प्रॉपरली चेक करना है, 1,000 वाला 100 वाला 2,000 200 ऐसे फिगर्स को। उसके बाद अल्टीमेटली केयरफुली स्क्रूटिनी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। और देन आई टोल्ड यू दैट कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो हमने ओरिजिनल बुक्स में की है लेकिन उसका पोस्टिंग नहीं किया, तो वो चेक करेगा ऑडिटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।